हेलो एवरीवन, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि इतिहास का अच्छा 10 अध्याय वन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय या यूरोप में राष्ट्रवाद, ये जो PDF है हम आपको टेलीग्राम पर भेजेंगे, लेकिन कैसे भेजेंगे वो आपको बताएंगे। ये NCERT का ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया और इसी में से इस बार जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा नए पैटर्न के आधार पर लिया गया। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत सारे चीज़ जो है चेंज किया गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। जैसे आपको यहाँ पर बता दें, 18वीं सदी में कई देश जैसे जर्मनी, इटली तथा स्विट्जरलैंड आदि जो है उस रूप में नहीं थे जैसा कि आज हम इन्हें देखते हैं। यानी 18वीं शताब्दी में ये उस तरीके के नहीं था जैसे आज हम देखते हैं इन्हें देखते हैं। ये छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था जिसका एक अपना स्वतंत्र शासक हुआ करता था। तो ये क्वेश्चन है, यह हम आपको कलम ले लेकर के आपको क्लियर करा दें। तो ये आपका पॉइंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 18वीं सदी में जो हम देखते हैं स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, ये सब उस रूप में नहीं था जैसे हम आज देखते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था और इसका एक अपना स्वतंत्र शासक हुआ करता था। ठीक है, अगला 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली अस्पष्ट अभिव्यक्ति थी। इसने फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर प्रभु सत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंपी। यानी ये क्या कर दिया था, फ्रांस में राजतंत्र जो था उसको समाप्त कर दिया था और प्रजातंत्र पर चल गया था। इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन हुआ करता था। निरंकुश राजा का शासन जैसे पहले नहीं होता था, और कहावत नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो कहावत था, इसको समाप्त कर दिया गया था। अगला पॉइंट अगर हम देखें तीसरा पॉइंट हमारा क्या कर रहा है, 1804 की नेपोलियन संहिता। 1804 की नेपोलियन संहिता क्या था, ये इसे 1804 में लागू किया गया था। इसे जो है 1804 में लागू किया गया था और इसे इसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। ठीक है, जन्म पर होकर के कुछ चीज़ें मिलता था उसको समाप्त कर दिया गया। इसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया। संपत्ति के जो अधिकार हुआ करता था उसको भी ये सुरक्षित कर दिया। क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। वहाँ वोट देने और चुने जाने का अधिकार केवल उन्हीं पुरुषों को था जिनके पास संपत्ति थी। जिसके पास संपत्ति हुआ करता था वही केवल वोट दे सकता था, वोट में चुन सकता था। संपत्ति विहीन पुरुषों और सभी औरतों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। जिसके पास संपत्ति नहीं था, गरीब था, उसको हर चीज़ से वंचित किया गया था। और केवल थोड़े ही समय के लिए जैकोबिन शासक के समय सभी व्यापक पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस लाई। यानी नेपोलियन जब आया तो ये मताधिकार को फिर से वापस लाया और कहा कि गरीब हो अमीर हो सबको वोट देने का अधिकार है, और इस तरीके से उसको जो है आवश्यक ऊर्जा देते हुए, दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों को अधीन कर दिया गया है ना। ये सब मतलब नेपोलियन जो है उस स्थिति में आया तो अच्छा काम करके गया। अगला क्वेश्चन हमारा, ये अगला पॉइंट है, वियना कांग्रेस कब हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास टेंथ के लिए, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया, VBI क्वेश्चन है। वियना कांग्रेस कब हुआ है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है। 1815 में ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसी यूरोपीय शक्ति जो है वो जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था वो सब मिलके प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुआ। वियना में क्या किया, इकट्ठा हुआ, और जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर जो है ड्यूक मेटर्निक ने की थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा क्लास टेंथ में, दो नंबर ही पूछ दे या ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो 1815 में वियना कांग्रेस कौन कौन देश भाग लिए थे, ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रेलिया जो है मिल करके एक अपना संगठन बनाए थे, और वियना इकट्ठा हुए जिनकी अध्यक्षता जो है ऑस्ट्रेलिया के चांसलर जो था ड्यूक मेटर्निक वो कर रहा था, वही जा करके यहाँ पर किया था। वसाई में एक समारोह में पर्सा के राजा विलियम प्रथम को जनवरी 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया था। विलियम प्रथम को पूछेगा कि विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित कर दिया गया था 1871 में, या फिर आपसे उल्टा करके क्वेश्चन पूछेगा विलियम प्रथम को कहाँ का सम्राट घोषित किया गया था, तो विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया था 1871 में। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया था। 1861 जब आया तो उसमें क्या हुआ कि इमैनुअल द्वितीय था उसको क्या कर दिया, एकीकृत इटली का एक राजा घोषित कर दिया, राजा बना दिया गया। आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका क्या थी। राष्ट्रवादी जब संघर्ष हुआ था उसमें महिलाओं की भूमिका क्या थी। राष्ट्रवादी संघर्ष इसमें जो है राष्ट्रवादी आंदोलन में सभी यूरोपीय राज्यों जैसे फ्रांस, इटली की औरतें ने सक्रिय योगदान दिया। महिलाओं ने अपने समाचार पत्र शुरू किया है ना, अनेक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन बनाए गए और प्रदर्शनों में भाग लिया। इतना होने पर भी उन्हें असेंबली के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं देने दिया। यानी इन सब सारा फंक्शन दिया लेकिन उसके बावजूद भी जो है असेंबली में चुनाव करने का अधिकार नहीं दिया गया। अगला पॉइंट हम देख लेंगे महत्वपूर्ण शब्दावली में। यहाँ पर मेन पॉइंट है कुलीनबर्ग। कुलीनबर्ग ये जमीन के
मालिक हुआ करते थे, यह यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग होता था जिसको हम कुलीन वर्ग बोलते थे। निरंकुशवाद वह एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था हुआ करती थी जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं था, जितना मन है उतना दिन तक चलेगा, जेने मन है तेने करेगा, ठीक है। इस तरीके के शासन था निरंकुशवाद। उदारवाद का मतलब होता है यानी लाइबरलिज्म, यानी कि शब्द लातिनी भाषा का मूल शब्द लाइबर पर आधारित है जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून के समक्ष जो है समानता होना, ये उदारवाद में था। यानी उदारवाद जो था स्वतंत्र देना, सबको बराबर अधिकार देना, ये उसका मानना था। जनमत संग्रह क्या था? एक प्रत्यक्ष मतदान होना जिसमें जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, उसे जनमत संग्रह बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद क्या होता है? एक ऐसा राजनीतिक दर्शन होता है जो परंपरा स्थापित संस्थानों पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता है। रूढ़िवाद क्या करता है? पौराणिक जो परंपरा आ रहा है उस पर बल देता है। यूटोपिया यानी कल्पना दर्श, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, यानी कि बहुत सारा चीज़ को समझ लेता है। रूमानीवाद क्या है? रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन है जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता है, खास तरह की राष्ट्रीय भावना का ये विकास करना चाहता है, उसके लिए हम रूमानीवाद बोलते हैं। नारीवाद क्या होता है? तो नारीवाद को देखेंगे तो स्त्री पुरुष को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर क्या करना चाहिए? राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध जो है नारीवादी है। जुंकर्स क्या है? प्रशा के एक सामाजिक श्रेणी का नाम है जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे जिसे हम जुंकर्स बोलते हैं। जुंकर्स क्या है? तो प्रशा के सामाजिक श्रेणी का क्या है कि नाम है जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल है। जोलवेराइन यह एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यह संघ 1834 में प्रशा की पहल पर स्थापित हुआ था। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया, मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई, पहले 20 से अधिक थी लेकिन उसको धीरे धीरे कम करके 2 प्रकार की मुद्रा कर दिया गया और यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक हो गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जुसेप मेत्सिनी, इटली का एक महान क्रांतिकारी था। जुसेप मेत्सिनी क्या था? इटली का एक महान क्रांतिकारी था जिसने यंग इटली नामक आंदोलन चलाया था। क्या चलाया था? यंग इटली नामक आंदोलन चलाया था और यंग इटली नामक आंदोलन चलाया जिसके फलस्वरूप इटली में एकीकरण की भावना को बल मिला, ठीक है। और वह राजतंत्र के घोर विरोधी हुए थे। राजतंत्र जो था उनका मानना था कि राजतंत्र नहीं होना चाहिए, प्रजातंत्र होना चाहिए, जो आदमी वोट करे उसे अपना सब चीज़ करे वो चीज़ होना चाहिए। गैरिबाल्डी जो इटली का एक महान क्रांतिकारी जो मेत्सिनी का सहयोग या समकालीन था, उसने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की थी जिसकी सहायता से उसने ऑस्ट्रिया को हराया। उसने इटली को स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलन किए थे। काउंट कॉविको था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था पूछेगा तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। काबूर को इटली का बिस्मार्क माना जाता है। वो इटली के सर्डिनिया राज का प्रधानमंत्री था। उसने सर्वप्रथम अपने राज को इटली में मिलाने का कार्य किया था। बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क जर्मनी के इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त है, ठीक है। और उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त तथा लौ की नीति अपनाई। उसके प्रयासों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव हो गया। अभी देखिए प्रतीकों का अर्थ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। टूटी हुई बेरिया इसका मतलब आज़ादी मिलना, बाज छाप वाला कवच जर्मन समुदाय के प्रतीक शक्ति, बलूत पतियों की मुकुट वीरता, तलवार में हो जाएगा मुकाबले की तैयारी, तलवार पर लिपटी जैतून की डाली इसका मतलब होता है शक्ति की शांति की चाह, काला लाल और सुनहरा तिरंगा इसका मतलब हो जाएगा 1848 में उदारवादी राष्ट्रियों का झंडा जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित कर दिया था। अगला है 7वां नंबर, उगते सूर्य की किरणें एक नए युग का सूत्रपात करता है। एक नए युग का क्या करता है? सूत्रपात करता है। यहाँ से क्वेश्चन है, इसका आंसर भी है, सबका दिया है। जैसे यहाँ पर दे रहा है फेंडिक्स सरयू कौन था, तो फेंडिक्स सरयू यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव में इसका आंसर भी लिए हुए हैं, सबका आंसर है। और आपको ये पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में आप सर्च करिएगा राजू रजत सर, उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आपको जो है ये पीडीएफ जो है आपको उसी ग्रुप में मिल जाएगा। हर वीडियो का पीडीएफ उसी ग्रुप में हम डालते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।